वृंदावन कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गौरनगर कॉलोनी स्थित गिरधारी मंदिर के समीप एक अधेड़ व्यक्ति का शव देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अधेड़ व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर जांच शुरू कर दी है। पड़ोसियों के अनुसार मृतक 55 वर्षीय साधन कृष्ण ब्रह्मचारी पुत्र बमन गोस्वामी महाराज मूल रूप से कलकत्ता का निवासी है, जो करीब 10 वर्षों से गौरानगर कॉलोनी में ही अलग अलग स्थानों पर किराए के मकान में रहकर और ई रिक्शा चलाकर जीवन यापन करता था। वह पिछले करीब 1.5 वर्ष से गिरधारी मंदिर के समीप श्याम सुंदर दास के मकान में किराए पर रह रहा था, जिसे शनिवार सुबह मरणासन हालत में देख इसकी सूचना तुरंत पुलिस को डायल 112 नंबर पर दी गई। वहीं मथुरा गेट पुलिस चौकी प्रभारी विनोद कुमार भारद्वाज का कहना है कि पड़ोसियों के अनुसार मृतक को दौरे पड़ने की बीमारी थी। मृतक का शव नल के समीप मिला है और वहीं साबुन और कपड़े भी रखे थे। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उसकी दौरे पड़ने से मौत हुई है। मौत के कारणों की सही जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो सकेगी। आपका? मेरा नाम विकास दास। विकास जी, क्या घटना घटी है? घटना सवेरे 7 बजे 7:30 बजे करीब उसका जगह पड़ा हुआ मरा हुआ था लग रहा है। फिर इन लोगों को जानकारी दिया सब हमने पड़ोस पड़ोसी वाले, तो इनकर अब पुलिस से जानकारी करवाओ। 100 नंबर पर फोन लगाया, दरोगा साहब ने फिर आके दरवाज़ा खुलवाया भीतर से, उसके बाद हमको लेके लिखा पढ़ी करवाया, फिर पोस्टमार्टम करा के ला। क्या नाम है इसका? इसका नाम है साधन। तो ये घर में अकेला ही रहता था? अकेला ही रहता था, रिश्ता चलाता था। तो इसकी मतलब मृत्यु हुई कैसे हुई, कुछ पता है? नहीं, हमको जानकारी कुछ नहीं है। हमने सवेरे 7:30 बजे करीब उठ के देखा है कि पड़ा हुआ। पुलिस मौके पहुंच गई? हाँ, मौके में पहुंच।